पंडित गड़बड़ चंद दक्षिणा पेल गे पता खेल गे रे लुगाई मार खेल गे रे श्यामला जेल गे कोई गंडक होंगे मैं तो बुचकार बुचकार जे मने रोलर है बेरी। सही बताऊं तो देखो जनता की आवाज है, झूठ कौन बोली सके, बहुत बदमाश हो यार। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि महान व्यक्ति से खास मुलाकात के एपिसोड में आज हमारे साथ यहाँ राजस्थान के सुपरस्टार और राजस्थान की कॉमेडियन जिन्होंने बहुत कम समय में राजस्थानी कॉमेडी में अपना झंडे गाड़ दिए, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट और लेखक भी है। हम हमेशा उनके वीडियो देखते नजर आते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भवानी पारिक की। दोस्तों हमने उनका हंसता खेलता चेहरा बहुत बार वीडियो में देखा है, जैसे कि आपने भी देखा है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा उनसे जीवन के जुड़े हुए ऐसी बातें, शायद वो हम सबको पता नहीं है। हम उन्हीं की जुबानी आज वो सारी बातें जानेंगे। उन्होंने जीवन में कितना स्ट्रगल किए हैं, उनके परिवार से जुड़ी ऐसी बातें जो शायद हम सभी नहीं जानते हैं। साथ ही साथ हम उनसे ऐसे सवाल भी पूछेंगे जो आम जनता जानना चाहती है, मुरारी पारिक से वो अलग क्यों हुए, किन कारणों की वजह से, और आज तक वो यहाँ तक पहुंचे हैं, किस प्रकार पहुंचे हैं, या उससे पहले वो क्या क्या कार्य करते थे। चलो दोस्तों सारे प्रश्नों का उत्तर उन्हीं की जुबानी हम जानते हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे पास आए और जनता की आवाज़ देख रहे सभी दर्शकों को मारवाड़ी माचो राम राम गणी खम्मा जय जय राजस्थान। जैसे एक मैं मारवाड़ी में बात करूं, अपन सबों पहला मारवाड़ी भाषा में, आज पहली बार मेरा इंटरव्यू आ रहा है कि मारवाड़ी से बात करें तो मारवाड़ी में बात करूं। हालांकि मारी मारवाड़ी थोड़ी खाटी मारवाड़ी है, कोई आदि हिंदी आदि मारवाड़ी मिक्स हुए। चलो सबों पहला अपन गाँव रो परिचय, पहला आप परिवार रो परिचय बताइए। आप परिवार में कितना मेम्बर है और किन हिसाबों आप परिवारिक परिवेश है? ठीक है, एक मिडिल फैमिली से हूँ और परिवार भी ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छा मिलो। पापा तो बचपन में ही एक्सपायर हो गया, तो मम्मी कई करे जो गाँव में लाड प्यार पालियो और हमेशा साथ दियो। जो भी पहले बचपन में एक इच्छा ही एक्टर बनने की, तो टीवी पर देखता बोलता भी कि यार एक दिन टीवी पर आवांगा, एक दिन ही टीवी पर आवांगा, तो रिहर्सल भी करता। तो भी मम्मी वगैरह ने भी कहो कि मैं जब भी अगर बम्बी की भी बात करी तो माँ को भी जवाब ये हो कि चलो तू जो करना चाहे वो कर। इन हर माँ बाप को ना आपके औलाद ने सक्सेस देखनी चाहे, तो भाई सपना घराड़ा ही देखा, आज खुश ना घराड़ा भी खुश है और जका दर्शक है मेरा जका मेरे कॉमेडी देखे वह भी खुश है। एक सब पहली बात है, शिक्षा जो स्कूल सब ने याद रहे, कई चो कैसे भी हो और स्कूल और टीचर ने दो बच्चा याद रहे, क्या सब होशियार हुए, क्या सब भूडो लारी लार बैठा, क्या आगो आगो बैठे। अब थारे स्कूल के बारे में कहीं किस्सो है? सही बताऊं तो देखो जनता की आवाज़ है, झूठ कौन बोली सके, बहुत बदमाश हो यार, सबसे पीछे बैठ तो। और हमारे एक गुरु जी है स्कूल में, पुरुषोत्तम जी, वह बहुत परेशान रहता मेरा मन सीधो कहता कि यार मुझे तो मेरा खून पियो है ना, मेरा कोई को नहीं पीने लाग रहे हो। तो ठीक है, स्कूल के माँ कॉमेडी भी करता और सबसे बड़ी लीड करियर के माँ तो मन तो स्कूल से ही मिली। 5 साल को हो छोटो सो जदू मैं स्टेज जान लाग गयो, स्टेज का ही वह मैं पहलो कदम रखियो स्टेज पर 500 बंदा के सामने, वह भी मेरी स्कूल से मिलियो मन स्टेज। तो बिया देखो तो आज की चीज मिली है बी की नींव मेरी स्कूल रखी, मेरे स्कूल में जो को भी एक्ट करो ड्रामा वगैरह कॉमेडी करता सभी स्कूल में मेरो कॉन्फिडेंस भी बढ़ायो और कॉन्फिडेंस आदमी के लिए बहुत जरूरी है। तो बाकी स्कूल में बदमाश आती। तो एक बात आ रही है कॉमेडी की, आपकी जगत में शुरुआत कैसे हुई, कॉमेडी में आपकी कैसे कदम रखा, आपने क्या विचार करके रखा या कैसे शुरुआत हुई? कॉमेडी एक टाइम पर एक्टिंग को सच बताऊं नफरत हुई एक्टिंग से, तो मैं कई चीज देखी स्ट्रगल भी करे हो। देखियो फिर की है कि आजकल एक चीज देखी मैं बहुत ज्यादा के टैलेंट की कदर को नहीं, आजकल है मनी की कदर। अगर टैलेंट मत वो मनी हुए तो सब कुछ है। तो एक टाइम पर वह सब चीजें झेल के नफरत भी होगी यार कोनी करा एक्टिंग। तो फिर थन छोटो सो किस्सो सुना तू जब कहूँ ये एक्टिंग फील्ड में घुस गया। अच्छा सागर अपना अंकल का लड़का ही है मुरारी लाल जी पारिक, बहुत अच्छा कॉमेडियन भी है, बाकी तेज जानो पहले साथ में ही काम करे हो।
तो वह भी स्ट्रगल करता भी थे गांव के अंदर। तो वह काफ़ी बार भी मन कहो यार तू अच्छी एक्टिंग करे यार, आपा करा आपा करा आपा वीडियो डाला, तो मेरा शौक भी को नहीं हो। तो मेरा गुरुदेव है महेंद्र जी गोड़, वह फिलहाल गुवाहाटी में एक्टर है। तो वह बाकी एक फिल्म वह डायरेक्ट भी वह खुद ही कर रहा, तो बी की शूटिंग मेरे गांव में चल रही। और बी दौरान मैं मेरे दूसरी फील्ड में जॉब हो तो मैं छुट्टी भी ताड़ने गाँव बैठो। तो भटके अच्छा एक सीन चलने लाग रहे हो बांगो सीन हो, एक बाबा जी को किरदार हो और वो जो लड़को किरदार निभा रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट कौन दे पा रहे हो। तो मैं ये मुरारी से टकरा गयो, टकरा तो वह क्या चाल आ जा शूटिंग चाल है थोड़ी देर टाइम पास कर लांगा। मैं क्या टाइम पास कर लांगा खड़ा, तो वो लड़को मैं देखियो वो अच्छो कौन कर रहे हो। तो मैं मुरारी ने बुलायो मैं साइड में लेके, मैं यार यो एक्टर सही कौन कर रहे हो यार। तो बड़ा मन सवाल भी पूछो कि तेरे नज़र में क्या होना चाहिए, तो मैं बिन बतायो मैं यहाँ होना चाहिए ताकि कॉमेडी आवाएंगमा, थोड़ा पब्लिक को भी इंटरेस्ट बढ़ाएंगमा जब वो करेक्टर सामने स्क्रीन पर दिख रही है। तो तीन चार बार कोशिश करी भी वो नहीं हो पायो। तो जका डायरेक्टर आ महेंद्र जी गोड़, वह भी मन पूछो तो मैं बन बतायो यहाँ, तो वह एक बार थे करके दिखा दियो बस। भट्टी वो कह करे जो राम ही निकल गयो, वो रोल करके दिखा दियो बन। तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट लगा के वो एक किरदार निभाया 10 मिनट को। तो महेंद्र भाई साहब वो क्राउड भी और भी हो तो सब तालियां बजाने लग गया। फिर महेंद्र भाई साहब कहे यार यो थे ही करो किरदार। तो मैं काफ़ी चलो मैं इंटरेस्ट भी मेरे ख़त्म हो चुकी हो। तो फिर मुरारी के महेंद्र भाई साहब के सब के रिक्वेस्ट से मैं वो किरदार निभा दियो। तो फिर कहने के गंडक के मुँह में खून लागण, तो वो खून लाग गयो जगह दिन। तो भी वह दिन देख लियो और बाद में मुरारी के साके अपने रिक्वेस्ट की जो भी छोड़ दियो वो ठीक है। परमात्मा एक कहने सबको एक सेट कर रखे कह कि को किए दानों पानी है, तो मेरे भी दानों पानी फील्ड में दे दियो। तो 20 दिन साग गया और बाद में परिणाम थाने पता ही है, आज देख लो। कॉमेडी से पहले आप क्या क्या काम करते थे और क्या क्या काम कर चुके हो? काम तो जी बहुत कर चुकिया। पहले मैं एक लिमिटेड कंपनी NCC हैदराबाद की, तो बिंगमा हेड सुपरवाइजर भी रह चुकी हूँ और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ही वह कंपनी विदेश की ही KCC, तो बीमा भी मैं सुपरवाइजरिंग को काम करेड़ो है। बॉम्बे भी धक्का खेड़ है, थोड़ा प्रयास करके देखियो तो वो नहीं। बट मैं थाने बता दियो पहले ही सवाल में मनी चाहिए, बट वह ही कौन गरीब फैमिली से है यार। जैसे कि आपने मुरारी जी के साथ का पहले वीडियो का आपने किस्सा बताया, शुरुआत वहाँ से हुई, तो एक बात जानना चाहते हैं कि लास्ट वीडियो कौन सा था और क्या कारण हुआ था आप अलग हुए? यार लास्ट वीडियो तो अब याद भी कोई, तो ये तो बता सकते हो पब्लिक के मन में एक सवाल सा है हर पब्लिक आपके फॉलोवर के पीछे, क्या कारण हुआ, क्या सा हालात हुए कि आप अलग हुए? देखो आज एक दो भाई है परिवार में, दोनों अच्छा कमावे है, दोनों अलग अलग आपकी गुआड़ी बढ़ावा है, न्यारा हो जावे, याद जरूरी थोड़ी ना दोनों लट्ठा बाज गया ना। ठीक है वो आपको करे वो आपको करे, मैंने उद्देश्य है वो एक है, बहुत खुशी की बात है कि दोनों का उद्देश्य एक है, टारगेट एक ही है। आपने राजस्थानी भाषा ने बढ़ावा देना, आपने कल्चर ने बढ़ावा देना, जो को लोग भूल रहे आपा भूल रहे, दोनों को सेम है और दोनों का उद्देश्य है कि हंसानो। बात कही जितने भाई भी थी गवाड़ी भी हुआ है और इसी बात को कहते हुए दोनों साथ कर रहे थे, आगे इस काम को बढ़ाने के लिए दोनों ने अलग किया है। सर एक और जानना चाहेंगे, आप दर्शक भी जानना चाहेंगे, आपके फॉलोवर जानना चाहेंगे और हम भी जानना चाहेंगे, आपके पसंदीदा एक्टर कौन है? मेरा पसंदीदा एक्टर सच बताऊं तो अमिताभ बच्चन। कैसे, क्या ऐसी अमिताभ बच्चन की चीज़ पसंद है जो बाकी एक्टरों में नहीं है? और देखो अमिताभ बच्चन की जिसको एक्टिंग स्किल है वह बहुत शानदार है। मैं आज भी पुरानी पिक्चर देखूं और अगर नए दौर में आजकल को एक्टर देखो तो वो है अक्षय कुमार। मन एक्टिंग में नहीं बता रही हूँ मैं, इंसानियत में अक्षय कुमार आज देख लो, कई कई धार्मिक काम में भी आगे रहा है, इंसानियत के काम में भी वो सबसे आगे रहा है। तो भी दो एक्टर कह सको जिसका मेरा पसंदीदा है,
सर एक और बात जानना, जो यूट्यूबर पर नए कॉमेडियन आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन है या अपनी तरफ से कोई सीख या आप क्या हेल्प कर सकते हो उनके लिए? अभी तो चलो कोई टाइम हो जब मैं अकेला ही आ, अभी तो लगभग तकरीबन हर गांव से आ रहा है नया कॉमेडियन आ रहा है, निकल निकल के आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, हंसा ही रहा है कि नहीं, रुला तो नहीं रहा। तो मैं पब्लिक से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूं, ये अपने भाषा के लिए कर रहे, अपने ही लिए कर रहे, तो हर चीज हर कलाकार ने सपोर्ट खड़े होकर, बिना सपोर्ट कुछ को नहीं है। तो मैं तो हर आदमी से यही गुजारिश करूं कि कोई बंदा हो, देखो शुरू में तो आपा 100% कौन दे पावा, आपा यहाँ ऊपर बड़ा, तो सबको सपोर्ट करो, सबका वीडियो देखो, बाने भी शेयर करो, आगो आगे बढ़ाओ बा वीडियो, और बा को हौसलो बढ़ाओ ना कि तोड़ो। तो उम्मीद है दर्शक मेरी बात ने भी आज जानेगा, और जितना भी चैनल है मेरा राजस्थानी कॉमेडियन का, तो उसे का सपोर्ट करेगा। जैसे कि उन्होंने सभी को कहा, और जो YouTube पर वीडियो बना रहे न्यू उनके लिए इनको कहा है हौसला मत तोड़ो, और दर्शकों को कहा है उनका हौसला बढ़ाओ। सर एक और बात जानना चाहते हैं सर, अपने जीवन का इस कॉमेडी को लेवल और भी अपना जीवन बहुत बड़ा होता, तो सबसे बड़े आपके जीवन के गुरु किन को मानते हो आप? सबसे बड़े गुरु तो महेंद्र जी गोड़ है, किस्सों भी सुनाए, सब देन बाकी है। आज एक टाइम हो जब मैं दोबारा मन एक्टिंग से न पर तू की मैं चैनल भी कौन बना रहे हो, मैं फील्ड से बाहर निकल रहे हो, कॉमेडी नहीं छोड़ रहे हो, मैं सच बताऊं तो भी टाइम कसम भी खा ली मैं, अब नहीं, अब वापस जॉब करांगा। तो वह सहारा बना, वह जगह उपदेश दिया, वो जगह ज्ञान दियो, वह एक मैं गुरु मान के बन विज्ञान ने सर माथे लियो और आज ठीक है मुकाम पर। जैसे कि एक आदमी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता टीम के बगैर, आपकी भी बड़ी टीम है, तो टीम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, टीम का जिक्र किस प्रकार करोगे, क्या श्रेय दोगे टीम को? सच बताऊं तो मैं एहसानमंद हूं, एक तो मालिक को सबसे पहले कि मन इतनी मजबूत टीम थी, इतनी मेहनती टीम थी, आज पब्लिक मन बहुत पसंद कर रही है। टीम में कई बंदा है, श्याम जी पारिक है जगह, मतलब बहुत मेहनती है शुरू से अब तक, अभी आप पूरा एफर्ट लगा हुआ है एक्टिंग का। गौतम पारिक है, पीयूष पारिक है, राजू रवि राजू रवि वाले मेरी चिक्कू है, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अभी एक दो और भी नया करेक्टर आ रहे हैं जी, हमारा अपना विजय पारिक है, एक बूढ़ा ताऊआ है रामदेव जी पारिक, वह भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो भी है देखो अकेले कुछ कौन कर पाए, एक टीम को सपोर्ट जरूरी है। और मैं तो आज जो खड़े हूँ, मैं शुरू से भी मेरी टीम ही मेरे साथ दी और आज भी दे रही है, और जो है मेरी टीम की वजह से। इन्होंने बहुत अच्छी वजह कही और अच्छी बात कही उन्होंने कि पूरा श्रेय टीम को देता हूँ, जो भी हूँ आज टीम के बलबूते पे हूँ। सर एक और मन में कि आपके जितने भी फॉलोअर जितने भी फैन हैं उन सब के मन में होता है आपसे अगर मिलना चाहें, आपके अगर दर्शन करना चाहें, तो किस प्रकार कर सकते हैं? देखो जी मैं कौन सो भगवान हो गया दर्शन करने, गोगा सर गाँव सभी जाने हैं, चूरू जिले का रतनगढ़ तहसील में, रतनगढ़ सरदार सर हाईवे पर, तो गाँव के माँ तो लगभग सब बता दे, आवे भी है मिलन आवे, तकरीबन 30 से 40 बंदा की एवरेज है पर डे मिलन आवे काफ़ी, तो हरियाणा पंजाब से भी आवे बहुत खुशी की बात है, कई बाहरे रहे वह भी आएड़ा आवे तो मिलन ना आवे, तो बहुत इजी है और मिलना भी है। और कौन सा अभी सलमान खान थोड़ी ना हो गया बारू हाथ लाने वाला, जैसे कि हमारी जनता की आवाज़ के सभी सदस्य देख रहे हैं और भी आपके पूरे भारतवासी देख रहे हैं, राजस्थान के सभी सदस्य देख रहे हैं और जनता देख रही है और छोटे बच्चे भी देख रहे हैं अपने इसको, तो आपकी तरफ से कोई संदेश हो, कोई ऐसा उपदेश हो या क्या? देखो जितना भी दर्शक आज मेरो यो जनता की आवाज़ पेशकश देख रहा है, मैं जी हाथ जोड़ के एक ही विनती करूँ सबसे, ठीक है मारो सपोर्ट कर रहे हो, करो भी है, और देखो जी कलाकार कलाकार की औकात दर्शक है, ये औकात है हमारी, ये न तुम्हारी कोई औकात को नहीं, तो आज से भी मैं यही कहूँ चलो ठीक है मारो तो सपोर्ट करके मानते खड़िया करे हो, आगे भी दिक्कत थारे सामने जो भी दिक्कत है चाहे वो थारे गांव में क्यों नहीं दिख रहे हो, गांव में अक्सर के वह देखो मारसा को वीडियो बेरू है कोई भी ना रहे वह खराब है ना उसके यार आज कर मैं खराब करूँ कल खटपुंचे को, हौसलों मत तोड़ो,
और एक हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपनी भाषा ने मत भूलो, अपनी मातृभाषा ने मत भूलो, अपने मिट्टी ने मत भूलो, अपने कल्चर ने मत भूलो, सपोर्ट करो अपनी भाषा के लिए। और कभी शर्माओ मत राजस्थानी बोलता बारे में, देखूं एक राजस्थानी बोलने में शर्म आवे क्यों? ठीक है, हिंदी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, बोलो, बेशक इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, जो भी भाषा बोलो, पर अपनी मातृभाषा मत भूलो ना, अपनी मातृभाषा कंधा पर लेके चलो हमेशा। राजस्थानी भाषा को लेकर बहुत अच्छा कहा। मारवाड़ी बात कहूँ तो अपनी मारवाड़ी भाषा ने चौकी बात कही है, एकदम बढ़िया बात कही है, मन भी पसंद आई है। सर एक बात और, सारा दर्शक बात रहे भाई, एक बात कहना चाहूँ, हमारी भी इच्छा है एक लाइव आपकी 2-3 मिनट की कॉमेडी हो जाए, जैसे कि आपकी स्टेज पर करो बेड़ी, मैं मारवाड़ी में बोली हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं डायलॉग सुना दूँ। सबसे पहले तो जिसका मेरा दर्शक हर वीडियो में मेरे मुँह से सुनना चाहे, जी हाँ, मेरे एक तो सबसे पसंदीदा डायलॉग है, रोलर बेरी, ये डायलॉग ने भी बहुत प्यार दे रहे। करेक्टर है मेरा पंडित गड़बड़ चंद को है, फेमस करेक्टर है मेरो, तो भी को भी एक डायलॉग सुनाना चाहूँ। आग्यो रे आग्यो पंडित गड़बड़ चंद, दक्षिणा पेल गे पता खेल गे रे, लुगाई मार छेल गे रे, श्यामला जेल गे। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, अभी तुम हमको मिलने को आती, हमको मोड़ा होती है कभी का बच्चा। और तो कुछ भी मेरे ये डायलॉग भी याद को नहीं रहे, इतना तो करेक्टर कर लिया मैंने, ये लगा सबसे ज्यादा करेक्टर राजस्थान में मेरे से ज्यादा तो कोई कर पा रही हो कोई। और आजकल तो बच्चों कॉमेडियन में थे जानो, मैं कल ही एक बच्चों एक लड़को लड़की खड़िया, कितना बताऊँ, 5-5 साल का, कोई एज कौन, तो मैं बिल्कुल के नाम है बेटा, जाके मेरू नाम तो पप्पू है, आ कौन है, क्या तुम मेरे धर्म की गर्लफ्रेंड है, बोलो। ए बच्चा बच्चे की कॉमेडी है, बच्चा बच्चे की मस्करी है। अच्छा एक किस्सो और सुनाना चाहूँ था, एक बच्चों को याद आयो, एक बार मैं कोई शो करके आ रहे हो, तो शो करके आ रहे हो तो मैं गाड़ी में ही मन बोलियो गए थे 10 मिनट गाड़ी में वेट करो, इतना मैं गेट खुल जैसी, मैं चलो कोई ना यार, तो बराबर में बारी के बराबर में दो बच्चा खड़ा गाड़ी की गेट के पास, तो एक बच्चो दूसरे बच्चे ने कब है कह, वो यह देख के पहले चौंकियो, देख करके वो देख भांडा मांजन वालो, मैं सुनू बांगी मनाई सर देख के इज्जती है, तो वो कह होया करेगी वोट कह नहीं आवे, कह ना ना वो ये भांडा मांजन वालो, वो देखियो कह यार मेरे मन रही को नहीं, कह रुक मैं यहाँ गाड़ी में आ के इन बिन देख के मेरे यहाँ हाथ लगा भाज गयो चार के, हाँ यार वो तो वो ये भांडा मांजे जिको, दूसरो के यार मन रही को नहीं यार उठ किया, दूसरो आयो आके मैं चेक करूं, वो आर इन बिन देख के जाने का मैं मेरे कान कौन देख है, आके मेरे यहाँ हाथ पुचकार के भाज गयो के, हाँ यार वो ये बाल कटने वालो वीडियो, बाल कटने वालो वीडियो भी फेमस हुई हो, लेकिन मगर कर रहा का ही है यार, टिब्बर है वो के यार मन रही को चार देख रहा हूँ चार, वो यहाँ हाथ लगाने लगे, मैं अट्ठी हाथ पकड़ लियो, मैं क्यों कोई गंडक होंगे मैं तो बुचकार बुचकार जाए मैंने, तो एक बच्चा बच्चे की कॉमेडियन है आपने राजस्थान में, तो सच बताऊं तो आजकल बच्चा बहुत एडवांस है, बहुत कॉमेडियन है। श्याम जी पारिक और निक नेम है नानू नानेरो। हाँ जी सर, आपका हमारे चैनल में सबसे पहले हार्दिक स्वागत है। जनता की आवाज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आपकी जैसे कॉमेडी की शुरुआत हुई, तो आपका कॉमेडी की शुरुआत कहाँ से हुई और इनको श्रेय किस प्रकार देना चाहोगे अपनी कॉमेडी के लेवल को? हाँ जी सर, ये है कि मेरा वो बचपन से सपना तो था कॉमेडी या एक्टिंग लाइन में जाने का, पर कुछ पारिवारिक मजबूरियों से मैं जा नहीं पाया। मैं अपना यहाँ पिछले इस गांव में 10-15 सालों से अपना बिजनेस कर रहा था, मैं एज ए केबल ऑपरेटर यहाँ पर काम करता हूँ, और पिछले ये बात है लमसम 2018 की, जब भवानी जी ने एक दिन मेरे को बोला कि यार एक वीडियो में छोटा सा रोल कर दो, वो भी यार भैया मेरा कभी किया हुआ तो है नहीं, पर चलो ये करके देख लेते हैं, तो इन्होंने वो एक रोल दिया, एक शायद ये कोई पेरेंट्स का रोल था, एक बच्चे को लेकर एक आदमी आता है और इनसे बात करता है, वो रोल जोर मार के ये था 2 मिनट का था, वो रोल मैंने किया, उन्होंने कहा ठीक है अच्छा है आप करो, तो उस दिन से मेरा ये शुरू हो गया,
और आज उसको करते हुए मेरे को 2 साल हो गए। वो ठीक है, हो रहा है, बढ़िया चल रहा है। वानी जी बता देते हैं इनके डायरेक्शन में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। दोस्तों महान व्यक्ति से खास मुलाकात के एपिसोड में आज हमारे साथ थे भवानी पारिक। आगे भी आपको महान हस्तियों के साथ खास मुलाकात की जाएगी। ऐसी खास मुलाकात के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हर बार आपको एक महान हस्ती के साथ मिलोड़ने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका साथी कन्हैया शर्मा।